प्रिय छात्रों, बही खाता लेखा कर्म कक्षा 12वीं के अंतर्गत हम अध्याय 11.5 लेखांकन अनुपात अध्याय का अध्ययन कर रहे थे। इसके अंतर्गत पूर्व में जो लेखांकन अनुपात की गणना की जाती है, तो पूर्व में हमने नंबर एक लाभदायकता अनुपात और दूसरा क्रियाशीलता अनुपात के बारे में जाना था। तीसरा अनुपात जो है वो तरलता अनुपात, ये क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। तो तरलता से जैसा कि हम जानते हैं लिक्विडिटी अर्थात द्रवता, तो यहाँ पर एक उपक्रम की, एक संस्था की तरलता, उसकी द्रवता की क्षमता जो है, उसकी भुगतान करने की क्षमता जो है वो किस प्रकार की है, ये तरलता अनुपात के अंतर्गत हम इसकी गणना करते हैं। तो यहाँ तरलता अनुपात की जो गणना है ये संस्था की अल्पकालीन वित्तीय स्थिति की सुदृढ़ता की जांच के लिए की जाती है, अर्थात बहुत कम समय के लिए, अल्पकालीन समय के लिए जो उसकी वित्तीय स्थिति किस प्रकार की है, उसकी मजबूती किस प्रकार की है, इसकी जांच के लिए जो है तरलता अनुपात की गणना की जाती है। ये क्या बताता है, ये अनुपात जो है ये संस्था के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है। अर्थात ये अनुपात जो हम ज्ञात करते हैं ये एक संस्था के जो कम समय के लाइबिलिटीज जो हैं, जो दायित्व हैं, उनका जो भुगतान करने की जो क्षमता है उसका माप किस प्रकार का है, उसकी क्षमता की माप करने के लिए हम इस अनुपात की गणना करते हैं। साथ ही ये बताता है अनुपात हमें कि संस्था अपनी अल्पकालीन देयता का समय पर भुगतान करने में सक्षम है अथवा नहीं, अर्थात संस्था जो है वो अपने लाइबिलिटीज जो है, शॉर्ट टर्म की लाइबिलिटीज जो है, अल्पकालीन समय की जो लाइबिलिटीज है, उनका एक बीइंग वन ईयर के अंदर, एक साल के भीतर भुगतान करने की उसकी क्षमता है अथवा नहीं। तो ये जो जांच की जाती है इसकी, वो इसलिए की जाती है कि क्या संस्था की चालू संपत्तियां, संस्था के अल्पकालीन दायित्व अर्थात चालू दायित्वों का भुगतान करने की लिए सक्षम है अथवा नहीं, अर्थात उस संस्था की, उस उपक्रम की जो चालू संपत्तियां हैं वो संस्था के अल्पकालीन दायित्व अर्थात चालू दायित्वों का भुगतान समय पर करने में सक्षम है अथवा नहीं। तो यहाँ पर तरलता अनुपात के अंतर्गत जो है हम विभिन्न रूप में दो प्रकार से अनुपात, तीन प्रकार से अनुपातों की गणना करते हैं, तो जिसको हम यहाँ पर देखते हैं, जिसमें है नंबर एक चालू अनुपात, दूसरा नंबर है तरल या द्रवता अनुपात और तीसरा अति तरल या अति द्रवता अनुपात। तो यहाँ पर तरलता अनुपात के अंतर्गत हम इस अनुपात की गणना जो है तीन रूपों में करते हैं, एक चालू अनुपात, दूसरा तरल या द्रवता अनुपात और तीसरा अति तरल, सुपर लिक्विड रेटियो, अति तरल या अति द्रवता अनुपात में। तो पहला जो है नंबर एक चालू अनुपात, ये क्या है इसके बारे में देखें। ये अनुपात जो है फर्म के अल्पकालीन दायित्वों के भुगतान करने की क्षमता की माप करने के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात फर्म के जो अल्पकालीन दायित्व हैं उनकी भुगतान करने की क्षमता किस प्रकार की है, इसकी जांच करता है। ये अनुपात जो है चालू संपत्ति एवं चालू दायित्व के मध्य संबंध स्थापित करता है, फर्म की जो चालू संपत्ति है और जो चालू दायित्व है, करंट असेट्स और करंट लाइबिलिटीज जो है, इन दोनों के बीच में यहाँ पर संबंध स्थापित करता है। ये अनुपात बताता है हमें कि व्यवसाय के अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान जो है करने के लिए फर्म की चालू संपत्ति पर्याप्त है अथवा नहीं, अर्थात ये हमें चालू अनुपात ये बताता है कि फर्म के जो अल्पकालीन दायित्वों का भुगतान करने के लिए जो है उसके पास पर्याप्त मात्रा में चालू संपत्ति है अथवा नहीं। तो यहाँ पर इसका जो सूत्र है वो है चालू अनुपात बराबर चालू संपत्तियां बटे चालू दायित्व, करंट रेटियो इक्वल टू करंट असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज, ये चालू संपत्ति, चालू अनुपात ज्ञात करने का सूत्र है। अब यहाँ हम देखते हैं कि चालू संपत्ति क्या है। चालू संपत्तियां वे हैं जो एक वर्ष की अवधि में रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती हैं। तो यहां चालू संपत्तियां वे संपत्ति हैं जो एक वर्ष की अवधि में रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती हैं, जैसे स्टॉक हो गया, विभिन्न
देनदार हो गए, बिल्स रिसीवेबल हो गए, प्राप्य बिल हो गए, रोकड़ हो गई, हस्ताक्षर हाथ में रोकड़, बैंक में रोकड़ और प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय और अल्पकालीन विनियोग आदि शामिल होते हैं। ये जो चीजें ये हैं ये आपके चालू संपत्ति के अंतर्गत आते हैं। तो चालू संपत्तियों में कौन सी संपत्ति आती है, जैसे स्टॉक हो गया, देनदार, प्राप्य बिल, रोकड़ हाथ में, बैंक में रोकड़, पूर्वदत्त व्यय, अल्पकालीन विनियोग आदि। और ये ऐसी संपत्तियां हैं जिनको हम एक वर्ष की अंदर कभी भी रोकड़ में परिवर्तित कर सकते हैं। चालू दायित्व क्या है? चालू दायित्व वे हैं जिनका भुगतान हमें एक वर्ष के अंदर करना होता है, वो कहलाते हैं चालू दायित्व, करंट लाइबिलिटीज। अब ये करंट लाइबिलिटीज कौन कौन सी है, जैसे लेनदार हो गया, देय बिल हो गया, बैंक, अधिविकर्ष ओवरड्राफ्ट, अदत्त व्यय और करों के लिए प्रावधान आदि को सम्मिलित किया जाता है। ये ऐसे दायित्व हैं जिनका भुगतान हमें एक वर्ष के भीतर करना है। तो यहाँ चालू दायित्व क्या कौन से होते हैं, हमने देखा कि लेनदार, देय बिल, बैंक ओवरड्राफ्ट, अधिविकर्ष, अदत्त व्यय, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस और करों के लिए प्रोविजन फॉर टैक्सेस, ये जो हैं चालू दायित्व कहलाते हैं। अब यहां पर हम दोनों के जब अनुपात की गणना करते हैं तो क्या बताता है कि यहां चालू संपत्तियों का जो चालू दायित्व पर आधिक्य है ये क्या होता है, बेहतर होता है। अर्थात चालू दायित्व पर चालू संपत्तियों का आधिक्य है यदि तो वो क्या है, अनुपात बेहतर है। जैसे चालू अनुपात मान लीजिए 2:1 होना, हमने मान लीजिए चालू अनुपात ज्ञात किया तो उसका जो रेटियो आ रहा है वो बता रहा है 2:1। तो इसका मतलब क्या है कि इसमें एक भाग किसका है, दायित्व के बदले संस्था के पास 2 की संपत्ति होनी चाहिए। अर्थात यहां पर यह बताता है कि संपत्ति के 2 की तुलना में दायित्व का 1 संपत्ति के संस्था के पास होना चाहिए। तो चालू अनुपात यदि अधिक होता है तो लेनदार के दायित्व पूर्णतः क्या है, सुरक्षित रहते हैं। अर्थात चालू अनुपात का रेटियो यदि 2 होता है तो इसका मतलब क्या है, लेनदार के दायित्व पूर्णतः सुरक्षित है, मतलब दायित्व से ज्यादा है। और यदि चालू संपत्ति का अनुपात चालू दायित्व से कम है तो ऐसी स्थिति में लेनदारों को पूर्ण भुगतान करने में संस्था क्या हो सकती है, असमर्थ हो सकती है। तो ये चालू अनुपात कहलाता है। इसमें हम एक सवाल देखेंगे कि निम्न सूचना के आधार पर चालू अनुपात की गणना कीजिए। दिया है लेनदार कितने, 1,60,000, देय बिल है 40,000, अदत्त व्यय है 20,000, रोकड़ 1,00,000, देनदार 2,00,000, बैंक में रोकड़ 50,000, स्टॉक जो है वो 90,000 और पूर्वदत्त व्यय जो है वो 30,000 और प्राप्य बिल जो है वो 50,000। तो इसमें हम सबसे पहले गणना करेंगे चालू संपत्तियां कौन कौन सी हैं। तो संपत्ति में जैसा कि बताया कैश आ गया आपका नगद 1,00,000 रुपए, ये नगद। डेबिटर्स देनदार जो हैं वो कितने के हैं, 2,00,000 के, ये भी संपत्ति है। फिर बैंक में जमा ये आपके 50,000, बैंक में रोका 50,000। फिर बिल्स रिसीवेबल, प्राप्य बिल 50,000, ये प्राप्य बिल 50,000। फिर प्रीपेड एक्सपेंसेस पूर्वदत्त व्यय, तो पूर्वदत्त व्यय जो है आपके ये आ गए 30,000 रुपये। और स्टॉक भी क्या है, ये यहाँ पर करंट असेट्स, तो स्टॉक 90,000 रुपये। तो ये सबको हमने टोटल किया 1,00,000, 2,00,000, 50,000, 50,000, 30,000, 90,000, तो टोटल ये आया कितना, 5,20,000। ये क्या है, चालू संपत्ति। यहां हमने चालू संपत्ति की गणना की तो वो गणना कितनी आई, 5,20,000। अब दूसरा बिंदु जो चालू दायित्व करंट लाइबिलिटीज, ये कौन कौन सी हैं? तो करंट लाइबिलिटीज में जो है लेनदार, यहां पर लेनदार कहां है, ये लेनदार 1,60,000, 1,60,000 लेनदार। फिर देविल जो है 40,000 रुपये, ये 40,000। फिर आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस आपके
₹20,000। तो अदत्त व्यय 20,000, ये क्या आ गई आपकी करंट लाइबिलिटीज। तो हमने इनको प्लस किया 1,60,000, 40,000, 20,000, टोटल 2,20,000 जो है आपकी ये क्या आ गए करंट लाइबिलिटी चालू दायित्व। तो अब ये सूत्र जो है हमारा चालू अनुपात बराबर चालू संपत्ति बटे चालू दायित्व इक्वल टू 5,20,000 डिवाइडेड बाई 2,20,000। तो ये अनुपात जो आया यहाँ पर 2.36:1। का रेटियो यहाँ पर आया, फिर से लिख दे रहा हूँ यहाँ पर 2.36:1 का ये रेटियो चालू अनुपात का निकल के आ गया हमारे सामने। तो यहाँ पर ये क्या बता रहा है कि चालू दायित्व पर जो अधिक है संपत्तियों का वो एक की तुलना में 2.36 है। तो ये क्या है, एक उपक्रम के लिए एक बेहतर चालू अनुपात है। इसके बाद अब हम दूसरा जो अनुपात वो है लिक्विड तरल अनुपात या द्रवता अनुपात। ये अनुपात क्या है, ये व्यवसाय की तरलता अर्थात द्रवता को दर्शाता है। इस अनुपात के अंतर्गत जो है चालू दायित्वों का संबंध तरल संपत्तियों से किया जाता है। अब तरल संपत्तियां कौन सी हैं, तरल संपत्तियां वे संपत्तियां हैं जो बिना किसी मूल्य हानि के रोकड़ में परिवर्तित की जा सकती है। जैसे कैश है, तो कैश हमारे हाथ में जितना है वो आज जितना है कल भी उतना ही रहेगा। बैंक में जो जमा है रोकड़, बैंक में जो रोकड़ जमा है हमारी वो भी उतनी रहेगी, प्लस उसमें इंटरेस्ट लग के वो क्या हो और बढ़ जाएगी। मतलब यहां पर कैश रोकड़ या बैंक में रोकड़ में किसी भी प्रकार की हानि हमें नहीं हो रही। फिर देनदार डेबिटर्स, जितना जिससे हमें लेना है वो तय है। प्राप्य बिल, बिल में जो अमाउंट राशि है वो हमें उतना मिलना ही मिलना है। और अल्पकालीन विनियोग, अर्थात ये ऐसी संपत्ति हैं जिनके मूल्य में किसी भी प्रकार की हानि नहीं होनी है। यहां सिर्फ जो है स्टॉक व पूर्वदत्त व्ययों इनको छोड़ दिया जाता है, क्योंकि इनकी लिक्विडिटी में समय लगता है, तरलता में समय लगता है, और पूर्वदत्तों की व्ययों की वापसी प्रायः संभव नहीं होती है। तो तरल संपत्तियां कौन सी संपत्तियां हैं, वे संपत्तियां जो कि बिना किसी हानि के शीघ्रता के साथ रोकड़ में कन्वर्ट कर सकते हैं, जैसे कैश, बैंक कैश, डेबिटर्स, बिल्स रिसीवेबल और शॉर्ट टर्म के इन्वेस्टमेंट, अल्पकालीन विनियोग। यहां स्टॉक और पूर्वदत्त व्यय को क्या है छोड़ दिया जाता है। इसकी गणना हम तरल संपत्ति अनुपात में नहीं करते। इसका जो सूत्र है तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व, लिक्विड असेट्स डिवाइड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो ये तरल अनुपात और उसका सूत्र है। इस आधार पर हम एक सवाल देखते हैं यहां पर कि यहां तरलता अनुपात हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले सूत्र जो हमारा है तरल अनुपात बराबर तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व। तो हमें सवाल में से यहां पर तरल संपत्तियों को ज्ञात करना, कौन कौन सी है तरल संपत्ति। तो जैसा कि बताया स्टॉक और पूर्वदत्त व्ययों को हमें यहां छोड़ देना है। तो यहां रोकड़ को ले लिया हमने, कैश 1,00,000, बैंक 50,000, देनदार 2,00,000 और प्राप्य बिल 50,000। यहां पर जो है हमने स्टॉक को छोड़ दिया, ये स्टॉक को छोड़ दिया, और पूर्वदत्त व्यय को छोड़ दिया। ये टोटल 1,50,000, 2,50,000, टोटल हो गया 4,00,000 तरल संपत्ति हो गई। अब चालू दायित्व जो है हमारे, पूर्व के सवाल में हमने ज्ञात कर चुके हैं, क्रेडिटर्स 1,60,000, देय बिल 40,000, अदत्त व्यय 20,000, टोटल हो गया ये 2,20,000। अब यहां पर जो सूत्र है हमारा तरल अनुपात ज्ञात करने का, तरल संपत्ति बटे चालू दायित्व बराबर 4,00,000 डिवाइड बाय 2,20,000, तो 1.8:1। तो यहां पर 1.8
एट अनुपात वन, ये क्या हमारा तरल अनुपात ज्ञात हो गया। तो इस आधार पर हमने यहां पर तरलता अनुपात को ज्ञात किया। अब तीसरा जो है अति तरल अनुपात, सुपर लिक्विडिटी रेटियो। ये अनुपात क्या है, पूर्णतः तरल संपत्तियों एवं तरल दायित्वों के मध्य संबंध बताता है। इसमें जो मुख्य रूप से सिर्फ रोकड़ शेष, बैंक रोकड़ व अति शीघ्र विक्रय योग्य अल्पकालीन प्रतिभूतियां शामिल की जाती हैं, और तरल दायित्वों में जो है बैंक अधिविकर्ष को छोड़कर शेष चल दायित्वों को शामिल किया जाता है, जिसका सूत्र है अति तरल अनुपात बराबर अति तरल संपत्तियां डिवाइड बाय तरल दायित्व। तो यहां पर अति तरल अनुपात के अंतर्गत जो है हम पूर्ण रूप से जो तरल संपत्तियां हैं, अर्थात ऐसी संपत्ति जिनको बहुत शीघ्रता के साथ हम कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो कैश इन हैंड हो गया, कैश एट बैंक हो गया, और बहुत ही शॉर्ट टर्म में जो बहुत शीघ्रता के साथ ऐसी प्रतिभूतियां जिनको हम बहुत शीघ्रता के साथ बाजार में बेच सकते हैं, ये पूर्णतः अति तरल संपत्तियों में आती हैं। और तरल दायित्व में जो है यहाँ पर बैंक अधिविकर्ष को छोड़कर, ओवरड्राफ्ट को छोड़कर बाकी जो भी लाइबिलिटीज हैं वो उसमें शामिल की गई, जिसका सूत्र है अति तरल अनुपात बराबर अति तरल संपत्ति डिवाइडेड बाय तरल दायित्व। यहाँ पर तरलता अनुपात से क्या आशय समझाइए, इसकी गणना किन रूपों में की जाती है, चल अनुपात से क्या आशय समझाइए, तरल अनुपात से क्या आशय समझाइए, इसके सूत्र को लिखिए, और अति तरल अनुपात से क्या आशय समझाइए, इसको सूत्र को लिखिए।